आज अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर के संत सम्मेलन किया गया, जहां पर सभी समुदाय के संत शामिल हुए। देखिए राहुल पांडे की इस खास रिपोर्ट में। हम सबको पता है कि राम जन्म स्थान का जो केस का निर्णय आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया गया और अभी राम जन्म स्थान पे भूमि पूजन पर तो भूमि पूजन भी हमारे माननीय वड़ा प्रधान के हस्त शुभ हस्तों से हो गया है और अब मंदिर निर्माण का जो कार्य शुरू होने वाला है उसमें सहयोग के लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संतों की मीटिंग दिल्ली में हुई और उसमें यह तय किया गया कि ये जो ट्रस्ट का गठन किया है वो कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं है परंतु स्वतंत्र ट्रस्ट है और मंदिर का निर्माण भी सरकारी पैसों से नहीं बनेगा एवं कोई एक या दो व्यक्ति धनपति भी अगर पैसा दे दे तो उससे भी नहीं बनेगा लेकिन हिंदू समाज के एक एक घटक के पास से एक एक व्यक्ति के पास से धनराशि कलेक्ट करके उसके द्वारा ये मंदिर निर्माण करना ऐसा संतों ने तय किया और उसके लिए विश्व हिंदू परिषद वो ट्रस्ट को ये धनराशि कलेक्ट करने में सहयोग करने के हेतु से संतों के निर्देश के अनुसार पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ता एवं संतों की मीटिंग करके एक आयोजन बना रहे हैं कि जिससे एक एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास से चाहे वो वनवासी विस्तार में रहने वाला हो अभावग्रस्त विस्तार में रहने वाला हो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला हो सरहदी विस्तार में रहने वाला हो पर्वतीय विस्तार में रहने वाला हो सभी के पास से कुछ न कुछ धनराशि प्राप्त करके और वो निधि सीधी वो ट्रस्ट में देके उसके सहयोग से मंदिर निर्माण हो जिससे हिंदू समाज ये अनुभूति कर सके कि ये मंदिर हमारा है ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है या कोई विशेष प्रकार के धनराशि देने से उसका किसी का नाम नहीं जोड़ा गया है लेकिन मेरा भी इसमें सहयोग है राम मेरे अधिष्ठाता हैं तो ये राम मंदिर मेरा है ये भाव जगाने के लिए संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी लोग इसमें जुड़ेंगे और एक एक व्यक्ति के पास जाके ये धनराशि कलेक्ट करने के लिए आयोजन करने के लिए आज यहाँ कर्णावती में जगन्नाथ मंदिर में ये संतों का सम्मेलन किया गया। गुजरात में ये संकल्प हुआ है कि जितने भी गांव हैं 18,000 से ज़्यादा गांव हैं सभी गांव में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संपर्क हम करने का संकल्प किया है और धनराशि भी एकत्रित